तो जाइए ना वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जाके बात कीजिए ना। एक लड़की शादी करती अपना घर बसाने के, क्यों है मेरी जिंदगी में इतने दुख? पहले भी ऐसा हुआ, सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ। राखी जी, क्या सलमान जी बात हुई आपसे? सलमान जी से मेरे मैटर में सलमान जी क्या करेंगे? उनको मैं नहीं सताना चाहती। जो कुछ कर सकते हैं वो आधी ली कर सकते हैं। सलमान जी क्या कर ले? बात कीजिए ना आजू बाजू से। कोई फायदा नहीं है उनसे बात। एक बार मीडिया में कह दो। हाँ। मेरी माँ आज चलने लगी है, थोड़ी उठी है बेड से। मेरी माँ को पता चल गया तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी, मर जाएगी मेरी माँ। अभी तक मेरी माँ को नहीं मालूम है, ऐसे न्यूज चल रही। मेरी मासियों को, मेरे खानदान को मालूम पड़ा है। मेरे खानदान, मेरी मासियाँ, मेरे माँ बाप सब लोग बोलते कि मम्मी तक ये न्यूज ना पहुंचे, लेकिन मम्मी होश में आ जाएगी तो ये न्यूज सुनेगी तो पता नहीं क्या असर होगा उसको। क्यों है मेरे नसीब में इतना दर्द? मैं खा पाती हूँ ना सो पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। बाकी जी आदिल भाई के घर वाले क्या बोले? कुछ आपसे बात हुई? आदिल के घर वाले से मेरी बात हुई है, उन्होंने उनको समझाया, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने समझाया कि भाई अगर तूने सचमुच निकाह किया है तो, अगर निकाह किया है तो तू कबूल करने में क्या हर्ज है सबके सामने? उनके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनको टाइम लगेगा मुझे अपनाने के, लेकिन आदिल ने तो मेरे साथ कसमें खाई है। थैंक यू, कल मिलते राखी जी, चलो कल आदिल भाई को मिलते। थैंक यू, आजा आजा राखी जी। ये दीपक जान मेरी गाड़ी, शादीशुदा हूँ ना, बोल नहीं पाऊंगी राखी जी, पर क्योंकि मेरे ससुराल की इज्जत भी रखनी है इसलिए बोल नहीं पाऊंगी। राखी जी पर सब लोग बोल रहे काफी फेक है, तस्वीरें फेक है, उसको उसको उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? थैंक यू, सब असली है भाई। Thank you.